Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ मटन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। जैसे होटलों पे, रेस्टोरेंट्स पे हम लोग मटन ग्रेवी इस्तेमाल करते हैं, लेके खाते हैं, उस तरीके से सेम आपको बना के दिखाऊंगा और रेसिपी बताऊंगा। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेके इसमें हसबे जरूरत घी शामिल किया है और घी के अंदर कटा हुआ प्याज, जैसा कि आप देख रहे हैं 300 ग्राम, एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो मैंने शामिल कर लिया। घी हसबे जरूरत इसलिए कहा है, कुछ लोग कम ऑयली कम तरी वाला खाते हैं, कुछ ज़्यादा, तो इस वजह से घी अपनी पसंद के मुताबिक आप डाल लीजिए। फ्लेम नीचे से ऑन था, आप थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं और इस प्याज को 50% तक फ्राई करते हैं और उसके बाद इसमें जो चीज़ हम डालेंगे वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। अच्छा व्यूअर्स, प्याज जो है तकरीबन 50% हमने फ्राई किया है। अब इसमें शामिल करेंगे ताज़ा लहसुन छील के, तो 7-8 कलियाँ इसकी इसी तरह डाल देंगे और इसको प्याज के साथ इसको भी थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि इसको भी इसमें भी हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए, तो मज़ीद इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। लहसुन डाल के भी मैंने 2 मिनट इसको फ्राई कर लिया है और तकरीबन ये प्याज और लहसुन जो है हमारा फ्राई कंप्लीट फ्राई होने के करीब है, तो मुकम्मल फ्राई होने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले, 1 मिनट आधा मिनट पहले हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करके तो इसको भी इन तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये चीज़ें हमने कंप्लीट फ्राई कर ली है, माशाल्लाह से देखें प्याज में भी अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है, हरी मिर्च भी हमारी इसमें रोस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम नीचे से फ्लेम को ज़रा सा ऑफ कर लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि घी ना इस तरह शामिल हो, और इस तरीके से ये देखें अच्छा सा निचोड़ के ये निकल गई। अब ये हमारे पास ग्राइंडर जा गया, इसमें हम इनका बनाएंगे पेस्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है ताकि पेस्ट हमारा आराम से बन जाए। अब ये तमाम चीज़ें कढ़ाई से निकाल के इनका पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा व्यूअर, ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब दोबारा कढ़ाई की तरफ वापस आते हैं और अब इसमें मटन शामिल करते हैं। फ्लेम को दोबारा मैंने इसे ऑन कर लिया है, घी हल्का सा हमारा दोबारा गर्म हो चुका है। अब ये मटन जो है अब हम इस घी में सबसे पहले शामिल करेंगे। इसका जो वज़न है वो 800 ग्राम है, ठीक है, यानी 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है वज़न में, तो इसे छोटे पीसेज हमने करवा लिए और छोटे पीसेज ही इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से ये मटन इसमें डाल दिया घी में, फ्लेम को नीचे से ऑन कर लिया है, फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना। अभी इसमें शामिल करेंगे नमक और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ठीक है। नमक भी जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, कम या ज़्यादा, ठीक है। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ। आप इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करते हैं, फिर अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, बस 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमने देखें मटन को फ्राई किया, मटन का कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज हो चुका है, तो आप इसको एक दफ़ा फाइनली फिर मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरीके से, ठीक है, इस तरह मिक्स करेंगे क्योंकि मटन अपना पानी भी रिलीज़ कर रहा है, साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, फिर ये मटन हार्ड हो जाएगा, फिर ये जल्दी गलेगा नहीं, तो इसलिए बस हमने इसको हल्का सा 4 से 5 मिनट जो है वो फ्राई कर लिया, ठीक है। अब इसमें पेस्ट जो हमने बना के रखा था ये सारा पेस्ट देखें मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब ये पेस्ट डालने के बाद हमने इसको उतनी देर तक पकाना है कि जितनी देर तक ये पेस्ट जो है मुकम्मल, मतलब ये घी ना छोड़ दे, ये अच्छे से भुन ना जाए। अब इस पेस्ट की बुनाई करनी है हमने इस स्टेज पे आके, तो इसमें अब सारे मसाले भी शामिल कर देंगे बाकी जो रह गए हैं। सबसे पहले इसमें लाल मिर्च डालेंगे पाउडर, ये भी हंसते जाएगा, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, ये 1 टीस्पून नॉर्मल सी हम इसमें वो शामिल कर रहे हैं और इसके बाद हम इन चीज़ों को करेंगे मिक्स। ये देखें इस तरह मिक्स कर दिया और मीडियम फ्लेम पे इस पेस्ट को भून लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये जो हमने मसाला था ये तकरीबन हमने भून लिया है, बस ये मसाला अब घी छोड़ना शुरू हो चुका है। फ्लेम को हमने हल्का ही रखा है, तेज़ नहीं रखा क्योंकि तेज़ में बनाई नहीं होती। तो अब ये इसके बाद इसमें हम जो चीज़ शामिल करेंगे वो टमाटर दिखाएंगे। ये टमाटर जो है वो हम किस तरीके से ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके तो इस स्टेज में हमने टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर पहले इस वजह से शामिल नहीं किए कि हमने डबल बुनाई करके मसाला तैयार करना है, तो इस वजह से अब हम ये टमाटर जितने भी थे हमने वज़न में लिए 1/2 kg। टमाटर का वज़न इसलिए ज़्यादा रख रहा हूँ कि ग्रेवी में इसमें हमने दही का इस्तेमाल नहीं करना, तो टमाटर इस वजह से ज़्यादा इसमें होते हैं कि ग्रेवी में हल्का सा खट्टापन भी होना चाहिए। तो ये टमाटर आप ग्राइंड करते हैं, इनका पेस्ट बनाते हैं और फिर कढ़ाई में डालते हैं।
पेस्ट बन चुका है जी। अब ये देखें जो सारा जो टमाटर है वो हमने इसमें डाल दिया कढ़ाई में, मिक्स करेंगे अच्छा सा, ये देखें। और दोबारा से फिर हम इस मसाले की भुनाई करेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट हमें लगेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको दोबारा से फ्राई करेंगे जब तक कि ये दोबारा से घी ना छोड़े। अच्छा व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से मसाला हमारा फिर से फ्राई हो चुका है। टमाटरों का जो पेस्ट हमने डाला था ये देखें, उसको भी अच्छा सा हमने फ्राई कर लिया और ये इस मसाले में दोबारा से घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मसाले की जो बनाई होती है वही असल जो है टेस्ट डेवलप होता है वहीं से। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करें तो मसाले की जो बनाई है वो आपने इसी तरीके से करनी है, तब आपको ज़बरदस्त बिल्कुल होटलों वाला टेस्ट मिलेगा। तो अब ये तकरीबन ये दोबारा से फ्राई हो चुका है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। अच्छा मैं जितना भी वज़न आपको बताता हूँ वो मैं आपको अपने वज़न के हिसाब से बता रहा होता हूँ, जो हमारे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं उसके मुताबिक हम चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा कोई चीज़ बनानी है तो इन चीज़ों को आप डबल कर लें, कम करना है तो हाफ कर लें, यानी मिकदार को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस वजह से ये बताना ज़रूरी था। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी, ये देखें, और इसको मिक्स करके और कवर करके तो 1.5 घंटे का हम इसको दम देंगे, क्योंकि बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको हमने रखना है, तभी जाके इसका जो टेस्ट है वो मुकम्मल ज़बरदस्त डिवेलप होना है। क्योंकि जो चीज़ देर तक और हल्की आंच पे पकती है उसका जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया, फ्लेम को बिल्कुल हमने दम वाला कर देना है और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद हमने इसका कवर उठा के तो आपसे फाइनल लुक जो है इसकी शेयर करनी है और आखिर में हमने इसमें कौन सा मसाला डालना है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा व्यूअर्स 1.5 घंटे का दम हमारा हो चुका है जी। अब हम कवर उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैंने इसको हिला लिया था, 5-10 मिनट पहले मैंने इसको देख लिया था, माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोश्त गल चुका है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कैसी इसकी खिली खिली माशाल्लाह से ये रंगत बाकी है मटन ग्रेवी की। और जितना मैंने इसमें पानी डाला था बिल्कुल हिसाब का डाला था, 1.5 घंटे में देखें ये हमारी जो ग्रेवी है माशाल्लाह से किस हद तक तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें फाइनली जो डालेंगे वो है जी गरम मसाला। गरम मसाला हमने होममेड तैयार किया हुआ है, ये हमारा शाही गरम मसाला है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो इस गरम मसाले की आपसे शेयर करूंगा और ये गरम मसाले की जो वीडियो होगी आपने आपके लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि ऐसे गरम मसाले की रेसिपी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो ये मैं इसमें 2 टीस्पून ये देखें गरम मसाले की इसमें डाल रहा हूँ, आप इसको मिक्स करेंगे ये देखें, और फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, तेज़ करके बस आधा मिनट इसको तेज़ फ्लेम पे पका के तो डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, माशाल्लाह से मटन ग्रेवी बन के रेडी है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें हमने डिश ले ली और ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देंगे, बिल्कुल रेडी टू ईट है। और इस रेसिपी के साथ अगर आपने इसको बनाया, इसको ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से मटन ग्रेवी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है, रेस्टोरेंट और होटलों से अच्छी हमने बनाई है, तो इसका जायका भी बेहतरीन और ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।